आपसे ना कोई प्रश्न करना चाहता है ना कोई उत्तर सुनना चाहता है। चाहने लगे थे आपको, अभी चाहत की कोमल फूटी नहीं कि आपने उसे मसल कर रख दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। हम बहुत ही जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास हमारे भाग्य में लिखा। आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है, दोष तो हम बहुत ही जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास हमारे विश्वास। इसलिए मणिकर्णिका से ना कोई प्रश्न, उत्तरी मोर पंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार। इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है, दोष तो हमारा है, विश्वास हमारे विश्वास। महाराज, यदि आपका आदेश हो तो दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। नहीं रघुनाथ, आज हम कोई कार्रवाई सुनना नहीं चाहते। परंतु रावबा, इस तरह से दरबार की कार्यवाही अधूरी छोड़ना उचित नहीं है। महारानी आज नहीं तो कल। ऐश्वर्य कृपया, महारानी से संबंधित कोई चर्चा नहीं होगी, ना ही कोई उनके बारे में कुछ पूछेगा, ना कहेगा और ना ही कोई उनका नाम लेगा। We will take advantage of this situation, and Jhansi very soon will be in the hands of the East India Company. Tatya, Manu ka kuch pata chala? मोती भाई जी, मनु का कुछ पता चला? काशी बेटे, मनु का पता चला? चिमड़ा, कहाँ है मनु? ये देवा चली गई। Marshall had to lose his life for being over clever. But one thing I must say, his death has made our job much easier for us. Prinav Jhansi ko pata chala ki angrezon se dushmani ke matlab kya hota hai. शिव शिव, इस वीराने में कोई नारी बेसुध पड़ी हुई है। चलो चलो, उसे देखते हैं। बेचारी कोई बदनसीब यात्री होगी। Thank you.
इसे इस निर्जन प्रदेश में रखना उचित नहीं होगा। इसे मठ ले चलो, वहीं पर उसकी चिकित्सा होगी। इसे बैलगाड़ी में उठाओ और सावधानी से रखवा दो। क्या किसी अनजान को अपने साथ ले जाना सुरक्षित होगा पिताश्री? कहीं ये तिरंगियों के गुप्तचर ना हो। ये सब ईश्वर की माया है श्रद्धा बेटी, उसके प्रयोजन को भला कभी कोई समझ पाया है? स्वामी, ये कन्या तो हमें हिंदुस्तानी दिखती है, और हिंदुस्तानियों से भय कैसा? हर जीव के दुख का हरण करने का प्रयास ही अध्यात्म है। इसे ले चलो। सुनो, कन्या को उठा के बैलगाड़ी में डालो। What are these bloody sannyasis doing here? They look suspicious. I think so, sir. Let's move. हे भगवान, ये घुड़सवार तो इधर ही आ रहे हैं। वेशभूषा से तिरंगी लगते हैं। इन धूर्तों ने हमारी मातृभूमि को अपने पंजों में जकड़ रखा है। हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। धैर्य रखो अहिल्या। हर पुत्री को एक न एक दिन बाबुल का आंगन छोड़कर जाना ही पड़ता है। कोई कन्या अपने पिता के साथ जीवन पर नहीं रह सकती। लेकिन आप सदा अपनी मनु के साथ रहेंगे। सपना नहीं मोरपंथी, आपकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है। अरे वो रानी बनेगी, रानी। उनके सारी प्रजा का उत्तरदायित्व तुम पर है बेटे, और वो उत्तरदायित्व निभाना। जब से आई है तुम्हारी पुत्री, तब से मन माने के सिवाय किया ही क्या है उसने? उसने सिर्फ एक महारानी की गरिमा को लांछित नहीं किया है, बल्कि अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। महाराज कृपया बताइए, मनु कहाँ है? मणिकर्णिका इस महल में कभी वापस नहीं आएगी। मेरी मनु ने सारी रात महल के बाहर काट दी। अभी तक वो आई थी, और मैं पिता होकर भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मनु कहाँ है तू? कहाँ? नहीं चाहिए। कल से आपके मुंह में एक दाना तक नहीं गया। ना जाए। मेरी बेटी महल से पता नहीं किस अपराध में निकाल दी गई। मैं यहाँ आराम से बैठकर भोजन करूं? देखिए, जिद मत कीजिए, सामने लाए अन्न की थाली को ठुकराते नहीं है। ये लीजिए। नहीं चाहिए। सब मिथ्या है। अब किसी संस्कार पर कोई विश्वास नहीं है मेरा। उठ गया है विश्वास। आपको इतना असहाय कभी अनुभव नहीं किया। एक पिता होकर अपनी बेटी के लिए रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता मैं। क्षमा करो,
जानती हो जमुना, जब पिठुर के ज्योतिषी महाराज ने कहा था कि मनु रानी बनेगी, वो मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। तब ये मालूम नहीं था कि उस प्रसन्नता का ये अंत होगा। अंत नहीं काका, ये संघर्ष की शुरुआत है। ये कैसी शुरुआत है तात्या? मेरी बच्ची तो काका, जब उद्देश्य बड़ा होता है तो मार्ग में विघ्न भी बड़े बड़े आते हैं, किंतु हमारी मनून उनके बीच से रास्ता बनाना चाहती है काका। आप धीरज रखिए काका, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं काका, आप नहीं जाएंगे। तात्या? हाँ काका, आप यहीं रहोगे झांसी में। आपको उन षड्यंत्रकारियों पर दृष्टि रखनी है। आप तो जानते हैं कि हमारे मनु का पति षड्यंत्रकारियों से घिरा हुआ है। हाँ, और ये जानते हुए भी अपने सबसे बड़े हितैषी को उन्होंने महल से। नहीं काका, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आवेश में आकर उनको ऐसा निर्णय लेना ही पड़ा। अब देखिएगा, महाराज को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। और वैसे भी काका, झांसी और उसके नरेश की सुरक्षा का दायित्व ना केवल मनु पे है बल्कि हमारे कंधों पे भी है। काका, वचन दीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ। मेरे मनु को शीघ्र लेकर आना। काका, अपने तात्या पर भरोसा रखिए। दजनान, so you've come to rob the British in Jhansi? हम सन्यासियों पर आरोप लगाना उचित नहीं है श्रीमान। Shut up, you bloody imposter! You people have been like this since the British drove the sannyasi out of Bengal and disrupted your anti-British activities. You people are like robbers and thieves who go to various cities and attack British establishments. I will not let this happen in Jhansi. Shriman, hum sannyasiyon ka dharm than nahi, seva bhav. Hum to har sthal par bhraman kar gyan arjit karte hain aur logon mein is gyan ko baantte hain. Don't argue with me. I know you very well. Hum tumhara mission samajhta hai. Jhansi chor ka chale jao. Jhansi par to Maharaj Gangadhar Rao ka adhipatya hai. Aapka nahi. Yadi wo kahenge to main yahan se avashya chala jaunga. Bloody brown monkey. साधु महाराज सत्य कह रहे हैं, ये अधिकार केवल महाराज गंगाधर राव को है और किसी को नहीं। ओके, बट आई हैव माय आई ऑन यू। अब तुम्हारी नहीं, हमारी दृष्टि तुम पर रहेगी। लेट्स मूव।
धन्यवाद। आप कौन है महाशय जिन्होंने हमारी इन दुष्टों से रक्षा की? साधु महाराज, मैं तो आपके सेवक समान हूं, और आप यहां महाराज गंगाधर राव नेवालकर के राज में हमारे अतिथि हैं, और अतिथि देवो भवा। आपके साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस इस राज्य में कोई नहीं कर सकता। अच्छा साधु महाराज, मैं जल्दी में हूं। पता नहीं आज झांसी की मिट्टी में वो सुगंध नहीं मिल रही जो एक वक्त में मिला करती थी। हाँ साधु महाराज, हमारी झांसी से भाग्य लक्ष्मी चली गई है टूट कर। मैं उसी की तलाश में निकला हूं, और मुझे विश्वास है उसके मिलते ही हमारी झांसी की सीमा में हर्षोल्लास फिर से हो जाएगा। आज्ञा दीजिए। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। गुरु, देखो बेटी, हम क्या हुआ श्रीमान? कुछ नहीं, कुछ जानी पहचानी से आवाज सुनाई दी। आज्ञा दीजिए। आप उस लक्ष्य को भेज सकती हैं? इसके बाद आप केवल अपने कक्ष में रहेंगे। महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हर बात जानना आपका अधिकार है, फिर भी यदि कुछ रह जाए और उस बात का आपको जरा भी आभास हो कि हमने आपसे कुछ छिपाया, तो कृपया आप इसका अर्थ बिल्कुल न लगाएं कि आपकी लक्ष्मी बाई ने आपसे विश्वासघात किया। आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं।